हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इंटीजर रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि इंटीजर क्या होते हैं, जो होल नंबर होते हैं, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन ना हो, पॉइंट ना हो उसमें। जैसे जो होल नंबर हैं, दे आर कॉल्ड होल नंबर्स, मतलब फ्रैक्शन ना हो, ठीक है, होल नंबर, या उसको कह लीजिए फिक्स पॉइंट नंबर, फिक्स पॉइंट नंबर्स, ठीक है, जिसमें जो रेडिक्स पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है आफ्टर द LSB। देखिए, जो लीस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, आपको मालूम है कि नंबर में दो चीज़ें होती हैं, LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और दूसरा होता है MSB। MSB क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर को फिक्स्ड पॉइंट नंबर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि रेडिक्स पॉइंट फिक्स्ड होता है, ठीक है, आफ्टर द LSB, मतलब इन नंबर्स में जो रेडिक्स पॉइंट है आपका वो LSB के बाद में होगा, ठीक है। दे आर कॉन्ट्रास्ट और टू रियल नंबर। और रियल नंबर्स में क्या होता है? रियल नंबर्स में, या रियल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। उसमें क्या होता है कि पोजीशन ऑफ द रेडिक्स पॉइंट वेरीज। तो जो डेसिमल पॉइंट है या रेडिक्स पॉइंट है, इसमें तो क्या होता है कि उसकी पोजीशन फिक्स होती है LSB के लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बाद में होता है, और रियल नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में वो फिक्स नहीं होता, वेरी करता है, इट वेरीज। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वी स्टार्ट विद होल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपको एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो इंटीजर्स होते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इन दोनों को कंप्यूटर या कंप्यूटर के अंदर ये दोनों डिफरेंट ढंग से डील किए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। दे आर डील्ड डिफरेंटली विद इन द कंप्यूटर इन द प्रोसेसिंग ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन। इंटीजर को कंप्यूटर अलग ढंग से डील करता है और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को अलग ढंग से डील करता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए इनका क्या है कि दे हैव डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग डिफरेंटली, मतलब इनका प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होता है, इनको हम प्रेजेंट भी डिफरेंट ढंग से करते हैं और इनकी प्रोसेसिंग भी डिफरेंट ढंग से होती है, ठीक है। इसीलिए जो आपका इंटीजर या जो फिक्स पॉइंट नंबर है, जो फिक्स पॉइंट नंबर है वो डिफरेंट तरह के प्रोसेसर में प्रोसेस होते हैं, और जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर उनको फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसर में वो प्रोसेस होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसर। तो यानी ये ध्यान रखिएगा कि इंटीजर को और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कंप्यूटर अलग अलग ढंग से डील करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसीलिए इनका प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं किसी नंबर को, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि किसी नंबर को हम 8 बिट या 16 बिट या 32 बिट या 64 बिट, ठीक है, इस लेंथ में हम प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम इंटीजर्स को मान लीजिए प्रेजेंट करते हैं किसी भी तरह से, तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है? पहला तो होता है कि अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, ठीक, और दूसरा क्या होता है? साइंड इंटीजर प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें अनसाइंड इंटीजर में क्या होता है कि इसमें केवल आप जीरो, या तो जीरो आप प्रेजेंट कर सकते हैं या पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 6, ये पॉजिटिव इंटीजर, मतलब निगेटिव वैल्यू आप इसमें नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। और साइन इंटीजर में हमें ये फायदा मिलता है कि हम जीरो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ निगेटिव इंटीजर भी कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है साइन इंटीजर प्रेजेंटेशन का, ठीक। अब जो साइन इंटीजर प्रेजेंटेशन है ये वाला,
इसके तीन मेथड होते हैं इसको प्रेजेंट करने के, ठीक है। पहला तो होता है साइन मैग्नीट्यूड प्रेजेंटेशन। साइन, अभी हम एग्जांपल देके आपको समझाएंगे, साइन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड प्रेजेंटेशन, एक तो ये मेथड हो गया साइन इंटीजर को दिखाने के लिए। दूसरा हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, 1s कॉम्प्लीमेंट इसको रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और तीसरा हो गया 2s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो साइन इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के ये तरीके होते हैं, एक साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन और तीसरा 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब इसमें क्या करना है कि अब देखिए, जैसे हमने कहा ना कि जो हम इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी देखिए बिट लेंथ तो ये हो सकती है कि कितने बिट में हम उसको प्रेजेंट करेंगे, वो हमारे ऊपर है एज ए प्रोग्रामर या एज ए डेवलपर कि हमको क्या सुटेबल है, जो भी हमारे पास अवेलेबल हार्डवेयर है उसके हिसाब से। तो 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट, और किस तरह किस फॉर्मेट में हमको प्रेजेंट करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड। अगर अनसाइंड इंटीजर है तो ठीक है, अगर साइंड है तो हम इस साइंड मैग्नीट्यूड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, 1s कॉम्प्लीमेंट में भी और 2s कॉम्प्लीमेंट में भी, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि अब अगर हम अनसाइंड इंटीजर्स की बात करें, ठीक है, तो अभी अब जैसे हम हमने कहा पहले हम बात करते हैं अनसाइंड इंटीजर की, अनसाइंड इंटीजर। तो अनसाइंड इंटीजर में क्या होता है कि मान लीजिए हमने कहा कि अब देखिए हमने कहा ना 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, सपोज कीजिए हम अभी ले रहे हैं 8 बिट रिप्रेजेंटेशन, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए अनसाइंड इंटीजर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 8 बिट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे हमारी सपोज कीजिए हमने कहा कि आपको हमें दिया हुआ है 65D, समझ रहे हैं, मतलब 0100 फिर 0001B, ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है 0100 और 0001, ये दिया हुआ है, ठीक। और बिट लेंथ हमको कितनी रखनी है, n इक्वल टू 8 बिट में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इस अनसाइंड इंटीजर की जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 × 2⁻⁰ प्लस 1 × 2⁻⁶, मतलब कितना हो गया, अब इसकी 2⁻⁰ हो गया, 1 + 2⁻⁶ कितना हो जाएगा 64, यानी इसकी वैल्यू आ गई 65, किसमें, डेसिमल में, ठीक है। तो अनसाइंड इंटीजर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब मान लीजिए ये तो पहला एग्जांपल हो गया, से एग्जांपल 1। अब हमने कहा मान लीजिए एग्जांपल 2, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है बिट लेंथ हमें 16 रखनी है, 16, और बाइनरी पैटर्न जो दिया है वो दिया है 0001 फिर 0000 और फिर दिया है 0000 और उसके बाद दिया है 1000, ये नंबर दिया है हमें बाइनरी में, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका हो जाएगा 1 × 2³ प्लस 1 × 2½। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4104 डेसिमल में, क्लियर। ये जो वैल्यूज हमने रखी है, ये 2³ या 12, ये पोजिशनल वैल्यू आप देखिए, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये आ रहा 1, ठीक है। तो 1 × 2½ हो गया और ये 1 हो गया 2³, तो इसकी वैल्यू आ गई है। ऐसे यहाँ पे जो हमने किया था, सपोज कीजिए यहाँ से हमने 1 2 3 4
फाइव सिक्स सेवन ना जीरो से स्टार्ट है, सॉरी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो ये वन इंटू टू की पावर जीरो ये लिखा हमने, और वन इंटू टू की पावर सिक्स ये लिखा, इसकी वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से हम बिट लेंथ जब डिसाइड कर लेंगे कि 8 बिट में देना है कि 16 बिट में हमें रिप्रेजेंट करना है कि 32 बिट में करना है, उस हिसाब से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं, से बिट लेंथ दी हुई है n इक्वल टू 16, और जो बाइनरी पैटर्न दिया हुआ है नंबरों का वो दिया हुआ है 0000, ठीक, फिर दिया हुआ है 0000, अगेन इट इज 0000, और अगेन इट इज 0000, इट इज इन बाइनरी। अब इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आप अगर आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अरे वैसे जैसे आप यहाँ से पोजिशनल वैल्यू देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे देते जाइए, अब इसमें कहीं पे भी आपको 1 तो दिख नहीं रहा है, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। क्लियर? तो यानी कि इससे फाइनली ये बात निकल के आती है कि एनी एन बिट पैटर्न कैन रिप्रेजेंट 2 to the power n डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। मतलब अगर आप एन बिट यूज कर रहे हैं तो एन बिट से आप 2 to the power n डिस्टिंक्ट इंटीजर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लिया हमने, से अभी हम आपको समझाने के लिए लिख दें कि मान लीजिए वैसे तो n बराबर हम 8 16 32 64 लेते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, अगर n इक्वल टू हम 8 बिट में अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें कितने इंटीजर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 to the power 8। और 2 to the power 8 आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128 × 256, तो 256 आएगा। चूंकि इंटीजर स्टार्ट होता है कहाँ से, जीरो से, तो एक तो यही हो गया, तो जीरो से 255 तक की वैल्यू को हम 8 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। ऐसे ही अगर आप n इक्वल टू 16 लेंगे तो 2 to the power 16 ये कितना आता है, ये आता है 65536। और चूंकि एक इंटीजर तो जीरो से स्टार्ट लेंगे ना भाई, इंटीजर 0 1 2 3, एक इंटीजर तो यही हो गया, तो ये जीरो से लेकर और 65536 में से एक घटा दीजिए क्योंकि एक इंटीजर हमारा जीरो फिक्स है, तो ये जीरो से 65535 इतने तक की वैल्यू हम 16 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही आप n बराबर 32 से भी निकाल सकते हैं और n बराबर 64 से भी निकाल सकते हैं। n बराबर आप 32 से निकालेंगे, ठीक है, तो आएगी वैल्यू करीब, जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा कि साहब हम इसको 0 से लेकर, और 32 के लिए बता रहे हैं, 0 से लेकर 4 2 9 4 9 6 7 2 9 5, यहाँ तक की वैल्यू को दिखा सकते हैं। और n बराबर 60, n अगर 64 बिट लेंगे तो 0 से लेकर, और ये बहुत ही हायर जाएगा आपका, समझ लीजिए 1 8 4 4 6 7 4 0 7 3 7 0 9 5 5 1 6 1 5 5 5 1 6 1 5। सोचिए अगर आप 64 बिट की वर्ड लेंथ लेते हैं, 64 बिट लेंथ लेते हैं, तो आप जीरो से स्टार्ट करके, अब इसको तो हम लोग मिलियंस और बिलियंस तक भी जाएंगे तो भी ये कम पड़ जाएगा, इतनी बड़ी वैल्यू तक आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 64 बिट को। अगर मान लीजिए वो शुरू भी करें तो सब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,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 
8 अगर आप यूज करेंगे तो बहुत ही हाईएस्ट वैल्यू तक आप इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेन पर्पस जो इसका था वो यही आपको दिखाना था कि 8 बिट से आप इतने इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं कर सकते हैं, 64 बिट से इतने को कर सकते हैं, और
एंड सो ऑन। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है साइन, ये तो हो गया अनसाइन इंटीजर, अभी हम लोग चल रहे थे। अब उसके बाद बात आती है साइन साइन इंटीजर की, तो साइन इंटीजर हम लोग नेक्स्ट, अब बात आती है साइन इंटीजर रिप्रेजेंटेशन। तो चूंकि ये वीडियो लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी ये क्लास आपकी, इसकी लेंथ, तो साइन इंटीजर रिप्रेजेंटेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो कंटेंट क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेरी है, कंफ्यूजन है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके दे सकते हैं। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो तो तुरंत आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।